हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो कि हम कस्टम्स एक्ट 1962 पर पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं दो टर्म्स कवर करूंगा, ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज एक ट्रेन जयपुर से जम्मू जा रही है। ठीक है, मैं इस चीज़ को टाइप भी कर लेता हूँ और ताकि आप समझ पाएं इसको इजीली। सपोज देर इज अ ट्रेन मूविंग फ्रॉम जयपुर आप सिटी इन राजस्थान टू जम्मू, राइट? एंड इट रीचेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। नाउ द ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम जयपुर टू जम्मू, रास्ते में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। अब इसमें मैं ये बोलता हूं कि थ्री टाइप्स ऑफ जो है विजिटर्स होंगे, पैसेंजर्स होंगे। एक जो कि जिनका डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली था, डेफिनेटली दे विल गॉट डाउन। दूसरा जिनका डेस्टिनेशन सपोज मान के चलते हैं जम्मू ही है, तो दे विल कंटिन्यू विद द सेम ट्रेन। और तीसरा सपोज जिनका डेस्टिनेशन मान लेते हैं कि मुंबई है, ऐसे ही मान लेते हैं, और दे विल चेंज ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई। अब जो लोग न्यू दिल्ली के लिए डेस्टाइंड थे वो तो उतर जाएंगे, ठीक है ना, दे विल गो होम। तो बेसिकली ये हुआ एक चीज। दूसरा जिनको जम्मू जाना था दे विल कंटिन्यू इन सेम ट्रेन, और जिनको ट्रेन चेंज करनी थी वो ट्रेन चेंज कर लेंगे। नाउ कंसेप्ट के हिसाब से ये जो लोग हैं, अब मैं इसको आ जाता हूं इंपोर्ट पे। इंपोर्ट में मान लेते एक शिप आया, उसमें तीन तरह का माल है। एक वो जिसने उतर जाना है, अनलोड होना है, दूसरा वो जिसने अभी आगे जाना है, और तीसरा वो जिसने यहां उतर कर शिप बदलना है। तो जिनका डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली है यानी वो उतर गए, इसका मतलब जो शिप इंडिया के किसी पोर्ट पर आया और वो माल वहीं के लिए था, सो दे विल अप्लाई फॉर क्लियरेंस। वो तो क्लियरेंस के लिए अप्लाई करेंगे एंड दे विल पे इंपोर्ट ड्यूटी, राइट? जिनको आगे जाना है दैट गुड दे विल द गुड्स विल रिमेन इन द सेम शिप, ऑब्वियसली नो पेमेंट ऑफ ड्यूटी। जब उसी में ही जा रहे हैं तो दोबारा दोबारा ड्यूटी को देंगे? इंडिया में तो एंटर भी नहीं किए, वो उस पर्टिकुलर पोर्ट पे एंटर भी नहीं किए। तो ये कहलाता है ट्रांजिट ऑफ गुड्स, या इन गुड्स को बोलते हैं ट्रांजिटेड गुड्स। ठीक है, ट्रांजिट ऑफ गुड्स। और तीसरा होगा जिन्होंने ट्रेन चेंज की। अभी यहां पर भी उनसे जो है कोई ड्यूटी नहीं ली जा रही। यहां पर तो आप बोलोगे सर मुंबई की ट्रेन में बैठेंगे तो दोबारा से पैसे लगेंगे, तो चार्जेस तो लगेंगे शिपिंग के, बट एज सच हम इमेजिन कीजिए कि बाहर से कोई आया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा कमर्शियल एग्जाम्पल लूंगा, इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट में सपोज मान लेते हैं कि इम्पोर्ट हुआ, से इम्पोर्ट फ्रॉम कोई भी सोचिए जापान से आया टू मुंबई एयरपोर्ट। जापान से आएगा तो मुंबई नहीं पड़ेगा, से कोलकाता पोर्ट, ठीक है, और यहां से उसको अभी जाना है, फ्रॉम हेयर दे विल गो टू श्रीलंका से फॉर एग्जाम्पल। तो भी इंडिया में तो एंट्री नहीं कर रहे, तो वो यहां से क्या करेंगे, जापान से कोलकाता पोर्ट पे से एक बार माल उतरेगा और उसके बाद वो श्रीलंका के लिए दूसरा मान लेते हैं कोई स्मॉल स्टीमर और सम अदर शिप के थ्रू वो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट। ये समझाना बस मैं सिर्फ आपको चाह रहा हूं कि ये जो हमारा प्रोसेस है इसको ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। अरे बस उनमें दिस इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट। सो ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट में क्या फर्क है कि जब माल आता है तो तीन तरह का होता है। एक वो जिसको वहां उतर जाना है, वो तो अपना क्लियरेंस कराएगा, ड्यूटी देगा। एक वो जिसको उसी शिप में कंटिन्यू करके आगे जाना, ऑब्वियसली दैट विल बी डन विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। और तीसरा वो जो ट्रांसशिपमेंट यानी कि वहां उतरेगा और दूसरा शिप कैच करेगा,
ये मैं एक बार फिर से इसको समझाना चाह रहा हूं, इसीलिए कि इन केस ऑफ ट्रांसशिपमेंट बेसिकली ये एक समझने वाला है, इन केस ऑफ ट्रांसशिपमेंट गुड्स विल चेंज द शिप, यानी कि एट द पोर्ट इटसेल्फ। जैसे हम बस बदल लेते हैं ना, किसी बस स्टॉप पे उतरे दूसरी बस ले ली, या स्टेशन पे उतरे दूसरी ट्रेन ले ली, सो द गुड्स विल चेंज द शिप एट द पोर्ट इटसेल्फ। इस सिचुएशन में देर इज नो कस्टम्स ड्यूटी, इसको इंपोर्ट नहीं मानेंगे क्योंकि वो उन्होंने कस्टम एरिया क्रॉस ही नहीं किया, सो इट विल बी नो कस्टम ड्यूटी। बस यही चीज लिखी है इसमें, ट्रांजिट ऑफ गुड्स में बेसिकली इसमें देर शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड गुड्स, वो तो है ही, तो दे आर फॉर ट्रांजिट इन द सेम कन्वेंस। मेन जो इसमें पॉइंट है, दे आर फॉर ट्रांजिट इन द सेम कन्वेंस, दैट इज द पॉइंट, है ना। जबकि जैसे मैंने अभी समझाया ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स के बारे में, अगर मैं बात करूं, सो ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स के अंदर क्या होता है कि वो अपना कन्वेंस चेंज करते हैं। यहाँ नीचे समझाया हुआ है, गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कन्वेंस टू अदर, दैट इज द पॉइंट इन ट्रांसशिपमेंट। आई थिंक इजी है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ के। कन्वेंस, कन्वेंस में देखिए तीनों चीज आएंगी, कन्वेंस में आपका वेसल भी आएगा, कन्वेंस में एयरक्राफ्ट भी आएगा, और कन्वेंस में व्हीकल भी आएगी। तो जहां कहीं भी लिखा होगा कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, तीनों आ गए। और इंटरेस्टिंगली व्हीकल में ही रेलवे व्हीकल भी इन्होंने क्या है, व्हीकल मीन्स एंड इंक्लूड्स अ रेलवे, यानी कि व्हीकल की डेफिनेशन में रेलवे भी इंक्लूड है। द वर्ड व्हीकल फॉर कस्टम्स एक्ट इंक्लूड रेलवेज। यहां तक कस्टम स्टेशन का सवाल है, इसमें तीनों तरह के आते हैं। कस्टम स्टेशन मीन्स कस्टम पोर्ट फॉर शिप्स, कस्टम एयरपोर्ट एंड लैंड कस्टम स्टेशन, अरिवर्सन में एंड लैंड कस्टम स्टेशन, तीनों आ रहा है। सो ये कुछ सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज थी जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स। एक्सपोर्ट प्रोसीजर जस्ट लाइक इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट में उल्टा होगा। इस बार क्या होगा कि हमने जैसे वहां से तो क्या कहता कि माल लेके इंडिया में क्लियर करा, इस बार इंडिया से माल बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो इसमें भी मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, मैं जब इसको कंप्लीट कर लूंगा तब आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में भी मैंने एक लर्न करने का जो स्टेप्स हैं छह, उसका एक शॉर्टकट बनाया, दैट आई विल डिस्कस एट दी एंड। तो सबसे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा बुकिश वे में, एक ऑर्डिनरी वे में जैसे हम पढ़ते चले जाएं, तो सबसे पहला इसमें एक डॉक्यूमेंट फाइल करना है, दैट इज फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल। लैंड के केस में इसको बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोलते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको याद करना, जितना इंपॉर्टेंट आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो बेटर है सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट का नाम याद रखें, शिपिंग बिल। जैसे वहां का मेन डॉक्यूमेंट था इंपोर्ट का बिल ऑफ एंट्री, ऐसे यहां का मेन डॉक्यूमेंट है शिपिंग बिल। सबसे पहले आपने एक शिपिंग बिल भरना है, इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको पहले भी कर सकते हैं, और इसमें आपने जो है वही जैसे उसमें बिल ऑफ एंट्री में था, आपने इसमें सेल्फ असेस करना है। और अगर कोई ड्यूटी है, यूजली एक्सपोर्ट पे तो कोई ड्यूटी होती नहीं है, तो अगर कोई ड्यूटी है तो वो ड्यूटी आपको पे करनी है। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज ऑब्वियसली, फर्स्ट प्रोसेस होगा माल को आप पोर्ट तक लेके जाएंगे, और उसके बाद वहां पर जो डॉक्यूमेंट आपने फाइल करना है दैट इज शिपिंग बिल, और शिपिंग बिल को फाइल करके जो भी उससे रिलेटेड ड्यूटी है उसको सेल्फ असेस करके आपने उसको पे करना है। नेचुरली अगर सब कुछ ठीक है, आप कोई प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं लेके आ रहे, तो आपको मिलेगा परमिशन, ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस, ठीक है जी, जाओ जी ले जाओ माल एक्सपोर्ट, आपने सही से डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, कोई प्रोहिबिटेड गुड्स आप नहीं लेके जा रहे जो इंडिया में एक्सपोर्ट का बैन है, और सब कुछ प्रॉपर प्रॉपर है, सेल्फ असेसमेंट करेक्ट है, ड्यूटी पेमेंट हो गई, सो अब आप चाहें तो इसको ले जा सकते हैं। तीसरा है ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स। जिन स्टूडेंट्स ने इम्पोर्ट प्रोसीजर ठीक से याद किया है, पढ़ा है, उनको याद होगा कि इम्पोर्ट में होता था एंट्री इनवर्ड्स, तो इस बार हो गया एंट्री आउटवर्ड्स। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो परमिशन मिलनी है दिस इज ओनली फॉर वेसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि दिस प्रोसेस, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली टू अ वेसल एंड नॉट टू एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स। वैसे आपके एग्जाम में अगर एक्सपोर्ट प्रोसीजर पूछा जाता तो आई डोंट थिंक दे विल आस्क कि आप इसको आंसर कीजिए स्पेसिफिकली फॉर एयरक्राफ्ट और व्हीकल्स, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि ये दिस प्रोसेस इज ओनली फॉर अ वेसल, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि अगर आपसे एयरक्राफ्ट और व्हीकल्स का पूछा जाए तो तब भी आप इस प्रोसेस को लिख के लिख दीजिए कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस, कि इसमें एंट्री आउटवर्ड्स करके एक सर्टिफिकेट कह लीजिए, एक परमिशन कह लीजिए मिलती है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये भी परमिशन, ये भी परमिशन,
एक्चुअली ट्रेडिशनली एंट्री आउटवर्ड्स की परमिशन चली आ रही है पुरानी, तो ये अभी भी वेसल्स के केस में कंटिन्यू कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी केसेस में तो सिर्फ जो ऑर्डर है परमिटिंग क्लियरेंस, इवन दैट इज सफिशियंट। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस आ जाता है वो आ जाता है लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन कन्वेयंस फॉर एक्सपेक्टेशन। अब लोडिंग जो होगी वो नेचुरली जो आपका कन्वेयंस इंचार्ज है वो लोडिंग अलाउ करेगा, लेकिन वो कहेगा भैया पहले सारे कागज दे दो। कागज बोले तो डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से आएंगे, वही आएगा शिपिंग बिल और ऑर्डर मेनली। ही विल डू इट आफ्टर गेटिंग, जो इसमें लोडिंग ऑफ गुड्स है ये होगी आफ्टर गेटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से हैं मैं इसको दिखा रहा हूं इधर, शिपिंग बिल एंड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, यानी कि वो जो परमिशन मिली है लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें हैं। तो लोडिंग ऑफ जो है वो डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उसके अंदर लोडिंग हो जाएगी, पर्सन इंचार्ज अलाउ कर देगा, और उसके बाद होगा एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, दैट इज द फिफ्थ स्टेप। वही बात जैसे मैंने अभी रिपीट की, जिन स्टूडेंट्स ने इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा उसमें ध्यान होगा कि जब कोई वेसल आती थी इंडिया में तो वो एक डॉक्यूमेंट फाइल करते थे जिसका नाम था इंपोर्ट मैनिफेस्ट। उसमें वो बताते थे कि हमारे पास कौन कौन से गुड्स हैं। तो ऐसे ही अब जब वो गुड्स लेके जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेंगे। दे विल ऑल्सो डिस्क्लोज कि वॉट आर द वेरियस गुड्स दे हैव। एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट में गुड्स की डिटेल आएगी, कौन देगा, ऑब्वियसली पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, ये तो शिपिंग कंपनी देगी ना कस्टम्स अथॉरिटीज को। और लास्ट में एक सिंपल सी बात लिखी है, नो कन्वेंस टू लीव विदाउट रिटन ऑर्डर। ऑर्डर मिलना बहुत जरूरी है, ऑर्डर के बिना नहीं जाएंगे। आपने अगर ध्यान दिया हो तो ट्रेन्स भी जब जाती हैं रेलवे स्टेशन को छोड़ती हैं तो कोई एक ऑफिसर उनको झंडी सी हिला रहा होता है या परमिशन देता है, तो उसके बाद वो लोग स्टेशन छोड़ते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है कहीं पर भी कि भाई हम किसी घर से भी जाते हैं तो फिर वही बात है, मैंने इंपोर्ट में भी रिपीट की थी, तो बात करके निकलते हैं। तो ऐसे ही अगर एक्सपोर्ट होना है तो जो कस्टम्स अथॉरिटीज हैं तो वहां से जब तक उनको एक परमिशन नहीं मिलेगी प्रॉपर ऑफिसर से, इसमें लिखा है अंटिल ए रिटन ऑर्डर, यानी कि बकायदा रिटन ऑर्डर इश्यू होगा, झंडी लाने से नहीं होगा यहाँ पे काम, एक रिटन ऑर्डर है प्रॉपर ऑफिसर देगा तब जो है ये कन्वेंस लीव करेगी। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो बहुत सिंपल है, और जैसा मैंने कहा था कि इसमें भी एक हम शॉर्टकट टेक्निक जो है वो बना सकते हैं पढ़ने की, तो वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं। देखिए इसके अंदर मैंने एक सेंटेंस बनाया है, सेंटेंस जो बना है वो है सबसे प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट है लास्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर। बहुत सिंपल सा है, सबसे प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट है लास्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब सबसे में मैं सबसे पहले ले लूंगा एस को, फिर प्रॉफिटेबल में पी को। ये आप ना इस तरह से जो भी चीज आपको याद ना हो रही है उसमें कुछ ना कुछ आप कलाकारी सीख जाओगे ना, अगर करने की आदत बना लोगे तो फिर ये बहुत इजी होता है। लास्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है, सो सबसे प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट है लास्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब इसमें हम पकड़ते जाएंगे तो हमें सारे ही मिल जाएंगे। अरे बस सुनने, जैसे सबसे का एस है तो इससे हम पकड़ सकते हैं जो सबसे पहला था हमारा शिपिंग बिल, ठीक है, फिर पी से आगे हमारी परमिशन, ये हमारा सेकंड स्टेप था। तीसरा, अब जो हमारा ई आया, सबसे पहले आ गया शिपिंग बिल, फिर हो गया हमारा परमिशन, फिर आ गया हमारा एंट्री आउटवर्ड्स, फिर ये हो गया, फिर हमारा फोर्थ आ गया एल से लोडिंग। लोडिंग होगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आने के बाद, फिर उसके बाद फिर से ई, दिस टाइम इट इज एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, जैसे इंपोर्ट मैनिफेस्ट था उसका उल्टा एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। एंड लास्ट में जो है हमारा इसके अंदर आ रहा है ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डर, दैट मीन्स रिटन ऑर्डर फॉर लीविंग द।
ये हमारा प्रोसेस है। सबसे पहले शिपिंग बिल फाइल करना है, फिर परमिशन मिलेगी, साथ में एंट्री आउटवर्ड्स मिलेगी व्हीकल के केस में। शिपिंग बिल के साथ ही आपको असेसमेंट करके ड्यूटी भी पे कर देनी है। फिर जो मास्टर ऑफ द वेसल है वो लोडिंग तभी अलाउ करेगा जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको मिल गए होंगे। फिर जितना माल उसके पास आ जाएगा उसके बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा जिसको बोलेंगे एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। फिर उसको एक रिटर्न ऑर्डर मिल जाएगा एंड ही विल लीव द प्लेस। बस इतना ही है एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपका, इसमें देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, अगर मैं इसको रिवाइज कराऊं तो जो भी पढ़ाया मैंने आपको इस वीडियो में, तो सबसे पहले मैंने बताया ट्रांजिट गुड्स के बारे में जो उसी व्हीकल में सेम आगे कंटिन्यू करती हैं, ट्रांसशिपमेंट के बारे में जो उतरने के बाद दूसरी व्हीकल में कंटिन्यू करती हैं, कन्वेंस में मेन बात क्या क्या आती है कि व्हीकल में रेलवे भी इंक्लूड है और तो कोई खास बात नहीं थी। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में सबसे पहले शिपिंग बिल, सेल्फ असेसमेंट, पेमेंट ऑफ ड्यूटी, फिर ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस, उसके बाद फिर एंट्री आउटवर्ड्स। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि सिर्फ वेसल्स में एप्लीकेबल है। फिर लोडिंग जो है वो तभी अलाउ होगा जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मास्टर ऑफ द शिप को, जो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस है, उसको मिल जाएगा और उसके बाद वो एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करके रिटर्न ऑर्डर लेके लीव कर जाएगा। दिस इज योर एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये जो मैंने आपको पहले इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर समझाए वो इसीलिए कि जो कस्टम्स का पूरा चैप्टर है वो काफी इन दो पॉइंट्स पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर पर डिपेंड करेगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बिल ऑफ एंट्री और इसमें जैसे शिपिंग बिल आया या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं। और आगे अभी जब हम ड्यूटीज की कैलकुलेशन करेंगे, खासकर उसमें ये जो बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल है या ये जो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर है, इस तरह की जो डेट्स हैं ये बड़े काम की हैं। तो उन कैलकुलेशंस को, उन कंसेप्ट्स को समझने से पहले ये जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये पहले आपको बताया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हर वीडियो के एंड में अपना व्हाट्सएप नंबर दे ही देता हूँ। माई व्हाट्सएप नंबर इज 9810139214। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, दिस इज द बेस्ट। व्हाट्सएप पर मैं बहुत कुछ भेजता रहता हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज देख रहे हैं, अगर अभी तक उन्होंने अपने कहीं व्हाट्सएप नंबर अरेंज नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स का, किसी फ्रेंड का, कहीं का भी एक व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो उस पर कुछ ना कुछ जाता रहता है। आप एटलीस्ट उन, अगर किसी के टच में नहीं भी है रेगुलरली, तो उनसे एक बार में ले सकते हैं कि हाँ जी सर ने क्या भेजा है, हफ्ते में, 15 दिन में एक बार में ले लो। तो यू मस्ट गिव मी वन व्हाट्सएप नंबर, दैट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विथ फ्रॉम माई साइड। आप लोगों से कंटेक्ट करने का मेरे पास व्हाट्सएप से अच्छा कोई तरीका नहीं है। सो प्लीज कम्युनिकेट योर व्हाट्सएप नंबर टू मी। थैंक यू।